अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सैनिटाइजर की बोतल पर भाजपा पदाधिकारी ने लगाई पत्नी की तस्वीर, कोरोना नियंत्रण के नाम पर राजनीति। अपना पहला क्रमांक 111 महिला वार्ड अध्यक्ष आशुमताई गंगाळे व अपना नवीन भाई जिल्हा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष दत्ताजी गंगाळे यांच्या वतीने या ठिकाणी हे सैनिटाइजर व मास्क याचं वाटप या ठिकाणी आपण आज करतोय। त्याची सुरुवात या ठिकाणी आज झालेली आहे। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 111। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन सतर्कता फैला रहा है, लेकिन नवीनबई के बीजेपी के युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो सैनिटाइजर की बोतल पर पत्नी की तस्वीर छपवाकर राजनीति चमकाने में जुटे हैं। सीउड दारावे के प्रभाग क्रमांक 111 में मास्क वितरण का यह सराहनीय काम दत्ता गंगाळे ने किया है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह उन्होंने राजनीति चमकाने की कोशिश की है उस पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कोरोना से बचने नवीनबई प्रशासन का सख्त निर्देश है कि भीड़ न जमा करें और न ही ऐसे कार्यक्रम करें जहां भीड़ हो, लेकिन युवा मोर्चा अध्यक्ष ने मास्क और सैनिटाइजर बांटते हुए न सिर्फ भीड़ जमा की बल्कि सैनिटाइजर की बोतल पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाकर मनपा चुनाव के लिए विज्ञापन भी कर लिया। अब इसे राजनीति चमकाना नहीं तो और भला क्या कहेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर जहां महानगर पालिका चुनाव को कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है, वहीं नेरुल के भाजपा पदाधिकारी दत्ता गंगाळे कोरोना वायरस की आड़ में सैनिटाइजर पर अपनी पत्नी की फोटो चिपकाकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करना और सैनिटाइजर पर अपनी पत्नी की फोटो चिपकाना कितना जायज़ है। कैमरा पर्सन प्रकाश धूपे के साथ अंजलि चौबे, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।